की जंग तेज होती जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेसों के इन आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। देखिए क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, एक महीने पहले यह हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते, आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते, और क्यों? 14 लाख रुपए, 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है, और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है, आपको ये तक अधिकार है, और करें, देश का लोकतंत्र नहीं है? ये कौन सा तर्क है? राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है और इस पर जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कहा है कि हार की हताशा में राहुल गांधी ये सब बोल रहे हैं, और हार की हताशा में ऐसा बहाना ढूंढा गया है जहां एक तरफ तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अगर सियासी बवंडर की बात करें तो लगातार पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जो जुबानी हमले हैं वो काफी तेज हो चुके हैं। बात अगर करें देश की दो बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में, तो लगातार जो सवाल जवाब है, आरोप प्रत्यारोप है, एक दूसरे के प्रति लगातार चल रहे हैं। ताजा वाक्य आप देखिए दोनों के बयानों से जुड़ा हुआ है, जहां पर राहुल गांधी ने एक तरफ कहा कि हमारे अकाउंट सारे फ्रीज कर दिए गए हैं, बीजेपी कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर बना रही है, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं कि चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, हर तरह की कोशिशें कर रही है, वही कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर बना रही है बीजेपी, और ऐसे में पलटवार किया है रविशंकर प्रसाद ने कई सारी बातें कही, उन्होंने बयान दिए हैं, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे उनके सवालों का जवाब भी दिया है। और इस खबर पर मेरे साथ स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं, मेरी सहयोगी। स्वाति, अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब तो कुछ समय ही रह गया है चुनावों का, लेकिन अगर बात की जाए देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, लगातार इन दोनों पार्टियों में तर्क वितर्क हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए, अकाउंट को फ्रीज करने की बात कही और कहा कि पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कांग्रेस को कमजोर बनाया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने बड़े ही अनोखे अंदाज में इस पर पलटवार किया है, कई बातों का जिक्र किया है, इसको किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी मौजूद रही, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, और आरोप सीधे तौर पर मोदी सरकार पर लगाया गया कि लोकसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, और फ्रीज करने की वजह से कांग्रेस पार्टी के पास अब पैसा नहीं बचा है जो वो रेलवे का टिकट खरीदे, यहां तक राहुल गांधी ने कहा है। अब इस मामले पर लगातार जो है वो बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि लोकसभा चुनाव में इस तरह की जो हरकत केंद्र सरकार द्वारा की गई है, यानी साफ है
कि निष्पक्ष चुनाव 2024 में नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं बचा है कि वो जो उम्मीदवार बने उसके उसको भी मदद कर सके, कार्यकर्ताओं को मदद कर सके। तो ये आरोप जो है वो राहुल गांधी ने लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि अकाउंट को फ्रीज किया गया और कई पुराना मामला है जिसको लेकर अभी अकाउंट को फ्रीज किया गया है। ये आरोप इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और यहां तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपनाएगी। लेकिन चूंकि अब चुनाव तारीखों की घोषणा हो गई है तो आरोप इस तरह के लगेंगे और जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाएगा, ये देखने को आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकता है और तेज होगा वार पलटवार का दौर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप सीधे तौर पर मोदी सरकार पर लगाया है और यहां तक सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को जो है वो आजादी नहीं है कि वो खुलकर चुनाव लड़ पाए, क्योंकि अकाउंट को फ्रीज किया गया है, पैसे नहीं है। अब ये तमाम तरह के आरोप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रविशंकर प्रसाद जो केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया गया, राहुल गांधी को घेरा गया है। अच्छा, राहुल गांधी को अल्पज्ञानी तक बताया गया है, उनका मार्केट डाउन बताया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र किया गया है। और देखिए, इस पर अब जो वाद विवाद है वो शुरू हो चुका है। बहुत धन्यवाद स्वाति जानकारी देने के लिए। गाजी